थर्मल की दोनों इकाई 30 जून से बंद होगी और उत्पादन से ज्यादा लागत का तर्क देकर सरकार इसको बंद कर रही है। विद्युत उत्पादन निगम के सीएमजी को निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से बचाने की कवायद चल रही थी। रिकॉर्ड 134 दिन उत्पादन कर चुकी दूसरी इकाई जोधपुर में 810 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। कोटा की पावर क्षेत्र में पहचान धूमिल होगी। दोनों इकाइयों की स्थापना 1983-84 में हुई थी। 38 सालों से लगातार इकाइयां बिजली उत्पादन कर रही हैं और उपभोक्ता अभियंताओं कर्मचारियों ठेका श्रमिकों में इसको लेकर के नाराजगी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 2000 परिवारों का भविष्य अंधकार में हो गया। ये राज्य सरकार की गलत नीति के कारण ये हो रहा है। कोटा का जो औद्योगिक दर्जा है उसको गहलोत सरकार खत्म करने पे तुली हुई है और जो यहाँ के जो मंत्री है श्रीमान शांति धारीवाल जी स्वायत्त शासन मंत्री 2017-18 में थर्मल बचाओ अभियान चला था, उसमें उन्होंने थर्मल के मुख्य द्वार पर आके कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो कोटा थर्मल को बंद नहीं होने देंगे। और आज ये स्थिति आ गई कि अंदर ही अंदर खाने जाने कब से ये साजिश रची जा रही थी, कोटा थर्मल की एक दो यूनिटों को बंद करने का निर्णय लिया ताकि आम जनता पे आम नागरिक पे एक कुठाराघात है। नदी पार क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र है जिससे पहचान है नदी पार क्षेत्र की, उसको खत्म